ये खड़ी अपनी कार, ये काफी गंदी है, तो पहले इसको करते हैं साफ, उसके बाद करते हैं आपसे बात। तो सबसे पहले इटियोस की अगर बात करें तो इटियोस वर्ड बना है ग्रीक शब्द इथोस से, जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रकृति। इंजन की बात करें तो मिलता है 1197 cc पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 79 bhp और 104 Nm का टॉर्क। इस तरह का दिख जाता है आपको इंजन, 4 सिलेंडर और 16 वोल्ट। ये गाड़ी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी। ये जो कलर देख रहे हैं, कंपनी से बुलाती है वर्मिलियन रेड, लेकिन मैं तो इसे कहूंगा लाल। इस गाड़ी में मिलते थे कुछ ऐसे दिखने वाले डायमंड कटेड स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, 15 इंच के टायर, इसमें 185/60 R15 का। आगे की साइड डिस्क ब्रेक और पीछे हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। फ्रंट एंड रियर हैलोजन लाइट्स, साइड मिरर्स मैनुअल फोल्डिंग है, लेकिन एडजस्टर मिल जाता है। काफी स्लीक टाइप की गाड़ी बनाई गई है। कंपनी से इसमें फोग लैंप नहीं आते, तो ये बाहर से लगवाए हुए हैं। इस टाइप का एंटीना मिलता है। फ्रंट में सिंगल वाइपर, रियर वाइपर वाशर और डिफोगर भी मिल जाते हैं। इस तरह दिखने वाला एक स्पॉइलर भी मिल जाता है। बूट खोलने के लिए बटन नहीं दे रखा। 251 लीटर का बूट, इस टाइप की चाबी मिलती है और ये कुछ रिमोट है। कुछ इस तरीके का मिल जाएगा आपको डैशबोर्ड, मीटर डैशबोर्ड के बीच में है, कुछ ऐसा दिखता है इसका मीटर। पियानो ब्लैक फिनिशिंग का काफी अच्छा यूज किया गया है। ग्लोव बॉक्स इसका कूल्ड है और साइज में काफी बड़ा दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट। सीट कंफर्ट अच्छा है, ये कवर आफ्टर मार्केट है, ज्यादा फ्लोर हम्प नहीं है, इसलिए तीसरे बंदे को बैठने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेग स्पेस काफी अच्छा मिलता है। अभी ये फ्रंट सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच। मिलेंगे आपको लॉक अनलॉक और साइड मिरर एडजस्टर। यहाँ पर लॉक अनलॉक को पोजीशन करने का कारण कंपनी ये बताती है कि अगर साइड वाले दरवाजे में कभी इम्पैक्ट होता है तो आप तब भी गाड़ी को अनलॉक कर सकें। हैंडरेस्ट आफ्टर मार्केट है, इसके अंदर थोड़ी जगह भी है और ये पड़े हुए हैं 100 रुपए के चश्मे। ज्यादा महंगे चश्मे रखने का फायदा नहीं होता, क्योंकि दोस्त लोग उठा ले जाते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली, उसके बाद मैं इसको आपको इसके नेगेटिव बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको एक सर्विस से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसा बंदा हमारे सर्कल में जरूर होता है जो हमेशा कहता है कि भाई तुझे ये गाड़ी मिली थी, तूने ये गाड़ी क्यों ली, यही कलर मिला तुझे। उनको ये जवाब दे सकते हैं कि भाई फ्री में दे रहे थे, मैं उठा लाया। तो मैंने ये गाड़ी दिसंबर 2019 में परचेज की थी। सबसे पहले तो मेरा इस गाड़ी को लेने का कोई मूड नहीं था, मेरा मूड पूरा पूरा टाटा टियागो XG प्लस पे जाने का था। मैं टाटा में टेस्ट ड्राइव के लिए गया, सबसे पहले मैंने वहां पर जाकर कोटेशन वगैरह ली, तो वो मुझे XG प्लस लगभग 6 लाख रुपए में ऑन रोड पड़ रही थी रेवाड़ी में। तो मैंने उनसे कहा ठीक है गाड़ी ले लेंगे, लेकिन पहले आप टेस्ट ड्राइव दीजिए। तो उन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव दी, तो दिक्कत क्या हुई कि जब उन्होंने जो मॉडल मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए दिया वो था उसका बेस मॉडल, 11,000 के लगभग वो चल चुका था। तो अब बेस मॉडल के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर कोई फीचर नहीं होते, तो मुझे उसके अंदर ऐसा कुछ फील नहीं आया। फिर जब मैंने उसे वो गाड़ी चलाई तो वो थर्ड गियर के अंदर उसका गियर नॉब कुछ ज्यादा ही वाइब्रेट कर रहा था और इंजन के अंदर भी काफी नॉइस आ रही थी, तो मैंने उस गाड़ी को ड्रॉप कर दिया। फिर मैं गया वहां से होंडा अमेज की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, तो मैंने होंडा अमेज की टेस्ट ड्राइव ली, गाड़ी मेरे को पसंद भी आई। लेकिन वहां पर मेरे एक रिलेटिव बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये अमेज रहने दे। तो अब जब रिलेटिव थे तो उनका इतना रिगार्ड करना तो बनता था कि अगर मैं कह रहे हैं मना कर रहे हैं तो मैं उनकी बात को नहीं गिरा सका। तो फिर मैं चला गया होंडे के अंदर। होंडे के अंदर उस टाइम ग्रैंड आई10 नियोस नई नई आई थी और वहां पर i20 भी देखी, तो ग्रैंड आई10 न्यूज मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस लगी और पुराने वाली ग्रैंड आई10 मुझे लेनी नहीं थी। i20 मुझे पड़ रही थी लगभग 780 या 760 के एयरफेयर में। मारुति की गाड़ी बलिनो मुझे लेनी नहीं थी, ना स्विफ्ट लेनी थी, मारुति की तो मुझे लेनी नहीं थी, मुझे एक्चुअली एक सेफ गाड़ी चाहिए थी। फिर लास्ट में मैं गया टोयोटा के अंदर, तो मुझे ग्लांजा लेनी नहीं थी क्योंकि वो अल्टीमेटली बलिनो ही है। तो मैंने ये इटियोस लीवा देखी, मुझे गाड़ी ठीक लगी, इंटीरियर थोड़ा डल था लेकिन गाड़ी ठीक थी कुल मिलाकर। और फिर मैंने इसके रेट पता किए तो उन्होंने मुझे 6.65 की डील बना के दी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं i20 पे जाता हूँ तो मेरा 1 लाख रुपये बच रहा है और इसमें कंफर्ट भी उतना ही है, i20 जितना माइलेज भी उतनी है। 18.18 की कंपनी क्लेम कर रही थी और उसकी भी समवेयर अराउंड 18 ही है। मैंने सोचा कि अगर मेरा 1 लाख रुपये बच रहा है तो क्यों ना मैं इसी को ले लूँ। हाँ उसके अंदर फीचर्स कुछ ज़्यादा थे लेकिन काम के फीचर इसके अंदर भी सारे थे और मुझे बेहतरीन अलॉय व्हील मिल रहे थे, ड्यूअल टोन के अंदर मिल रही थी, तो मैंने ये गाड़ी फाइनल कर दी। तो अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। तो नेगेटिव्स में तो इसका यही है कि इसके डोर है उसके ऊपर केबिन में भी गैस किट आती है और डोर पर एक और एक्स्ट्रा एडिशनल गैस किट लगी होती है, लेकिन इसके अंदर खाली केबिन की साइड में ही गैस किट लगी हुई है, डोर पर कोई गैस किट नहीं है।
जिसकी वजह से अंदर थोड़ी सी साउंड भी ज्यादा आती है और जो डस्ट वगैरह है जो दरवाजे के जो बीच में गैप है वहां पर ज्यादा डस्ट भी चिपकती है। और दूसरा इसके हेडलैम्प्स का थ्रो इतना अच्छा नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। अगर हम इसे हाईवे पे लेके चलते हैं तो वो लगभग फेल हो जाती हैं। हाँ, बाकी अगर रूरल एरिया के अंदर जा रहे हैं या गलियों के अंदर जहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो वो बेहतर परफॉर्म करती हैं। और तीसरा मुझे लगा इसकी माइलेज का, अभी ये गाड़ी 6000 किलोमीटर चली है तो अभी मुझे ये लगभग 13.5 का माइलेज निकाल के दे रही है। मैंने इसको हर तरीके से चला के देख लिया लेकिन ये 13.5 से ऊपर जा ही नहीं रहा। मैंने इससे एक बार टैंक टू टैंक मेथड में 16.5 का माइलेज अचीव किया था, वो लेकिन हाईवे पे था, उसके अंदर 5 पैसेंजर थे और डिग्गी पूरी पीछे तक भरी हुई थी और गाड़ी भी 100 के लगभग आराम से 110-120 ऐसे चल के आई थी, तो इसने मुझे 16.5 का एवरेज दिया था। तो पॉजिटिव से बात करें तो गाड़ी का इंजन बहुत रिफाइंड है, जैसा कि टोयोटा की हर एक गाड़ी का होता है। गाड़ी रिलायबल है, गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है, गाड़ी अगर 100-120 पर चलते हैं तब भी गाड़ी स्टेबल रहती है, और अगर बात करें गड्ढों की तो गड्ढों में से भी आराम से निकल जाती है, अंदर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। गाड़ी के अंदर जगह अच्छी है, अगर इस सेगमेंट में बात करें तो सबसे ज्यादा जगह पीछे रियर सीट पे इसी गाड़ी में है। गाड़ी की सीटें बहुत कंफर्टेबल है। अब बात करें अगर गाड़ी के सर्विस एक्सपीरियंस की तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि गाड़ी 2 बार सर्विस सेंटर के अंदर गई है। एक बार तो जब इसकी 1000 किलोमीटर पर सर्विस होनी थी तब, और एक बार गई थी जब गाड़ी पीछे से डैमेज हो गई थी थोड़ी सी, तो उसको रिपेयर करवाने के लिए। जब गाड़ी डैमेज हुई तब मुझे लगभग 5 दिन के अंदर मेरी गाड़ी वापस मिल गई थी, उसके अंदर इसका डोर चेंज हुआ था, पीछे के पैनल को रिपेयर किया था। तो इसकी जब पहली बार सर्विस हुई थी तो मैं एक्चुअली रेवाड़ी से घूमने के लिए विद फैमिली बाहर गया हुआ था, तोड़गढ़ में था, तब मेरी गाड़ी 1000 किलोमीटर चल चुकी थी, तो चित्तौड़गढ़ में टोयोटा थी नहीं, लेकिन वहां से 56 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा के अंदर टोयोटा का शोरूम था। तो मैं सर्विस बुक लेके नहीं गया था, घर पे भूल गया था, तो मैंने उनको रात को फोन किया कि सर ऐसे मेरे साथ बात हो गई, मैं सर्विस बुक भूल गया और मेरी गाड़ी अभी सर्विस पे आ चुकी है, तो क्या आप गाड़ी की सर्विस करवा देंगे? तो उन्होंने कहा इट्स ओके, आप आ जाइए। तो हमने फिर सुबह चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट किया और उसके बाद तो 1 बजे हम भीलवाड़ा सर्विस सेंटर पर पहुंचे। तो मैंने उनको जाकर बताया कि सर मुझे अभी जयपुर जाना है, वो यहाँ से लगभग 350-350 किलोमीटर दूर है और मेरे साथ में फैमिली है, अगर मैं ज़्यादा लेट होऊंगा तो हमें रात हो जाएगी और फैमिली के साथ रात को ट्रैवल करना नई जगह पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने मेरी बात को सुना और विद इन 1 आवर उन्होंने मेरी गाड़ी को प्रायोरिटी देते हुए जो गाड़ियाँ थी उनसे पहले मुझे मेरी गाड़ी उन्होंने 1 घंटे के अंदर डिलीवर कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है।